लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में ऐसे कई अनसुने किस्से हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता है। आज आपको जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं। दरअसल ये किस्सा 1989 का है, जब जैकी और अनिल फिल्म परिंदा की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान जैकी श्रॉफ ने अनिल कपूर को 17 बार थप्पड़ मारा था। ये बात खुद जैकी ने कुछ साल पहले एक एंटरटेनमेंट चैनल को दिए इंटरव्यू में बताई थी। बात 1989 की है। डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा फिल्म परिंदा की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म के एक सीन में जैकी को अनिल के गाल पर थप्पड़ मारना था। जब जैकी ने ऐसा किया तो डायरेक्टर सीन से संतुष्ट हो गए और उन्होंने सीन ओके कर दिया। लेकिन अनिल कपूर को सीन में कुछ कमी नजर आई। उन्होंने जैकी से कहा कि वो लगातार उन्हें थप्पड़ मारते रहे और कैमरामैन को सीन शूट करने को कहा। इस चक्कर में जैकी ने अनिल को 17 थप्पड़ मारे, तब कहीं जाकर उन्हें लगा कि सीन परफेक्ट हुआ। ये बात और है कि जैकी ने अनिल को थप्पड़ जोर से नहीं मारे थे। आपको बता दें कि जैकी अनिल रियल लाइफ में भी अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने अंदर बाहर, राम लखन, युद्ध, 1942 से लव स्टोरी, कभी ना कभी, कर्मा, रूप की रानी, चोरों का राजा जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। जैकी की अपकमिंग फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है और अनिल कपूर फन्ने खा में नजर आएंगे।